तो अभी हमारे साथ विशाखा बसी जी मौजूद हैं। मैं आपको सुबह से काफ़ी गेस्ट से मिलवा रहा हूँ जो पोइट्री राइटिंग साहित्य से जुड़े हुए हैं, पर अभी हमारे साथ विशाखा बसी जो हैं वो फिटनेस ट्रेनर हैं जो लोगों को फैट टू फिट बनाते हैं, राइट मैम? एग्जैक्टली। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू मैम। पहला क्वेश्चन मेरा ये हुआ कि आपका जो बचपन गुजरा है, आपने बताया कि राइटिंग इन सब में गुजरा, आपकी जो मदर हैं वो लेखक हैं, तो इसका क्या हमारी लाइफ पर कोई वो पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, इसकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। बिकॉज मैंने मम्मा को बचपन से देखा है, हम बहुत छोटे से होते थे, जब भी उनको टाइम मिलना वो अपनी डायरी लेके बैठ जाती थी, काफ़ी सारी बुक्स हैं उनकी और बहुत अच्छे लेवल पे उनको सम्मान भी मिल चुका है अपनी लेखनी के लिए। तो उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है और एक बातचीत का आपस में करने का तरीका, कोई प्रॉब्लम में हम पड़ जाते हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है, लाइक पोलाइटली कैसे हैंडल करना है, विनम्रता से चीज़ों को कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ऑब्वियसली जो एक राइटर है, पोएट है, उसको तो एक अलग ही अपनी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कविता और पोइट्री से। लाइक मेरा क्या है, आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम एन एक्ट्रेस और वो शायद अभी तक नहीं हो पाया। आई ट्राइड लॉट, मैं 4 ईयर्स मुंबई में रही, मैंने कोरियोग्राफी की और एक्टिंग के लिए काफ़ी ट्राई किया, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशूज़ काफ़ी सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई। सो आई केम बैक फ्रॉम मुंबई एंड आई अगेन रीस्टार्ट माई सेल्फ। आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस बाई नेम ऑफ DVS स्पोर्ट्स, मी एंड माई हस्बैंड हैंडलिंग दैट, एंड ही इज़ हैंडलिंग द स्पोर्ट्स कैटेगरी एंड आई एम हैंडलिंग द फिटनेस कैटेगरी। तो कहते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी बिना 2 पहिए के नहीं चलती है, तो यहाँ पर वही स्टोरी है। और मम्मा मेरी राइटर है, तो कहीं ना कहीं ये जो गुण मेरे में आया है, चाहे वो फिटनेस का है, डांस का है, एक्टिंग का है, वो कहीं ना कहीं उनमें से ही आया है। उनका कहना ये है कि यू हैव टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है मेरी 14 इयर्स की और एक बेटा है मेरा 5 इयर्स का, बट आई स्टिल डिडंट गिव अप फॉर माई ड्रीम्स, आई स्टिल फाइट फॉर दैट, स्टिल कंटिन्यू फॉर दैट, जस्ट एवरी न्यू डे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट माई ऑल ड्रीम्स। तो यही है, और लेखनी बहुत प्यारी और बहुत अच्छी चीज़ है, और ये थोड़ा सा हाइड रखती हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं ये मम्मा का एक पार्ट मेरे में, लिखना बोलना ये थोड़े थोड़े कहते हैं ना अंश माँ बाप के बच्चों में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आए हुए हैं। राइटिंग की बात मैं कल से भी कर रहा हूँ, मैं आज से भी कर रहा हूँ, पर फिटनेस के बाप मेरे को मिले हैं, तो मेरे को बताइए कि अभी स्टेरॉइड्स जो चलता है, काफ़ी चलता नहीं, बैन है इंडिया में, नहीं ले सकते, पर आज के यूथ लेता है एक जल्दी रिस्पॉन्स के लिए, तो उससे कैसे बचा जा सकता है या उसके लिए क्या वर्क होता है? सी, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरी वन वेरी श्योरली कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि आपको किसी सप्लीमेंट, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खान पान, अपना डाइट अच्छा रखिए, अपना रूटीन अच्छा रखिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स, किस समय का खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और आपकी फ़िटनेस में 80% जो है वो आपका डाइट मैटर करता है, और 20% हाउ मच यू आर एक्टिव। आई हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स, दे ऑल आर वर्किंग एंड दे ऑल सेड टू मी दैट मैम वी इवन डोंट हैव टाइम टू वॉक 45 मिनट्स, तो उसके बाद भी वी वॉन्ट रिड्यूस आर वेट। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 125 kg, 118 kg, 95 kg ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको अब उनके मैं आइडियल वेट 2 digit weight में लेके आ चुकी हूँ, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको PCODs के इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, कोई बेबी नहीं कंसीव कर पाता है, तो ये मैं बड़ी बात तो नहीं कहूँगी अपने मुँह से, बट ये प्रैक्टिकली है, ऐसा हुआ है। वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और दे ऑल्सो फ्रॉम मेडिकल लाइन, वो ट्रीटमेंट 2-2, 3-3 साल से रह रहे हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को सजेस्ट किया कि भाई तू एक बार मेरा डाइट प्लान फॉलो करके देख, उसने 6 मंथ फॉलो किया, और आज से 2 साल पहले शी लॉस्ट हर बेबी, लॉस्ट हर 3 मंथ्स बेबी। उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी PCOD इश्यूज, और अब शी इज़ गोइंग टू बी मॉम अगेन एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। तो फीस के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी मिलती है, अच्छा लगता है। और ये मैं बिल्कुल श्योरली कह रही हूँ आपको, फिट होने के लिए, वेट रिडक्शन करने के लिए, ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लगने के लिए किसी सप्लीमेंट या स्टेरॉइड या किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अब जाने का वक्त है, तो जाते जाते आप हमारे लिसनर्स जो फिट होना चाहते हैं या जो इस इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं, जो फिटनेस ट्रेनर भी बनना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहते हैं? उनको मैं यही टिप दूंगी कि जो फिटनेस फील्ड में आना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप अपना रूटीन बनाइए, उठने का, खाने का, पीने का, और किस टाइम आपने सोना है। पहले वर्क ऑन योर सेल्फ, देन डू वर्क ऑन अदर्स। मैंने पहले खुद पर काम किया, आई रिड्यूस 40 kg
कोविड लॉकडाउन में मेरा वेट 100 समथिंग हो गया था, मैंने 40 केजी वेट रिडक्शन किया. मेरा बच्चा छोटा था तो मैं चीज़ें नहीं हैंडल कर पा रही थी बिकॉज मेरी न्यूक्लियर फैमिली है. बट वो 40 केजी वेट रिडक्शन के बाद धीरे 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 चीज़ें इस लेवल पे आ गई कि आज मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ एंड मेकिंग पीपल फैट टू फिट बाय नेचुरल हेल्दी वे अंडर माय गाइडेंस. और बहुत अच्छा लगता है. गिव अप, किसी चीज़ में गिव अप नहीं करना चाहिए. और जो फिट रहना चाहते हैं उनको भी यही लाइन कहूँगी, टाइम से उठिए, टाइम से खाइए. सबको पता होता है अच्छी ईटिंग हैबिट्स और बैड ईटिंग हैबिट्स कौन सी हैं. हमें भी भई चिकन मोमोज ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप बिल्कुल इसी पे जिए, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. तो चीज़ों को बैलेंस करके रखिए. किसी भी चीज़ में लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो वो अपने आप आपको एक राइट ट्रैक पे और हेल्दी ट्रैक पे रखेगा. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए, हमें दर्शकों को भी इतना समय देने के लिए. तो विशाखा बसी जी मौजूद थी हमारे साथ, तो और भी मेहमानों से मिलवाएंगे. जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा.